डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, आई एम कंटिन्यूइंग माई लेक्चर ऑन योर चैप्टर नंबर 8, बॉडी मूवमेंट्स ऑफ योर साइंस बुक. इन द लास्ट लेक्चर्स आई टोल्ड यू अबाउट द जॉइंट्स, स्केलेटल सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स, वेयर दे आर लोकेटेड एंड वट आर देयर फंक्शन, हाउ दे फंक्शन. एंड नेक्स्ट वी रेड अबाउट फंक्शंस ऑफ स्केलेटन and how muscles move the bones. Means bones alone cannot cause the movement, muscle with bones only cause the movement. Continuing the same, we also read about endoskeleton and exoskeleton, and in this we have read about birds. Now I am explaining you about fish. Ke fish ki body mein movement kaise cause hoti hai, that I am going to tell about. How do fish move? The shape of a boat is somewhat like a fish. The head and tail of the fish are smaller than middle portion of the body. The body tapers at both the ends. This body shape is called streamlined. देखो fish को अगर आपने कभी भी ध्यान से देखा हो, ठीक है, तो उसकी shape कैसे होती है? उसकी शेप बिल्कुल बोट की तरह होती है. जैसे हमारी बोट है ना, आगे से नैरो, पीछे से नैरो, बीच में ब्रॉड, ऐसे हमारी फिश की शेप है. ठीक है, जो फिश का हेड और टेल होता है ये कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज होता है. स्मॉलर का मतलब ये है कि वो नैरो इन साइज है मिडल पोर्शन के कंपैरेटिवली. ठीक है, और बॉडी टैपर्स एट बोथ द एंड्स, बोथ एंड्स पे जो है वो बॉडी टैपर करती है, और इसी वजह से इस शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं. ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन शेप एक ऐसी शेप है जो किसी भी बॉडी को फ्लोट करने में हेल्प करती है. और हमने नेचुरल चीज़ों को देखकर ही बोट वगैरह बनाई है. हमने फिश वगैरह को ऑब्जर्व करके ही तो बोट शेप बनाई है ना. जो हमने बर्ड्स की शेप को देखा, उन एनिमल्स को देखा जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं. एक्वेटिक एनिमल्स किसको बोलते हैं? जो पानी के अंदर रहते हैं, फिश. ठीक है, अलग अलग टाइप की फिशेस और भी हैं. ठीक है, तो इनकी शेप जो है, सबकी शेप स्ट्रीमलाइन शेप है. अब इनकी एक पर्टिकुलर टाइप की शेप है कि आगे पीछे से नैरो, बीच में से ब्रॉडन, इसी को स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं हम लोग. द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर. The skeleton of the fish is covered with strong muscles. During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side. अब देखो इसमें जब पानी, जो ये जो शेप है वो इस तरह की शेप है कि इस ये पानी can flow around it easily. ये वाटर जो है वो इसके अराउंड ईजिली फ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से फिश जो होती है वो पानी में फ्लोट करती है, तैरती है, पानी में इजिली मूव करती है. जब इजिली वाटर कट थ्रू होगा तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी आगे जाएगी, और शेप ही ऐसी है जो इसको कट थ्रू करने में हेल्प कर रही है. जो फिश की स्केलेटन है, ठीक है, जैसे हमारा स्केलेटन है, ऐसे फिश का जो स्केलेटन है ये स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड है. अब इसके अंदर ये क्वालिटी है कि स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, जिससे क्या होता है, जब ये स्विमिंग करती है, जब ये तैरते हैं, ठीक है, तो जो मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व, तो ये फ्रंट पार्ट को कर्व करने में, इजी में करने में टू वन साइड हेल्प करती हैं ये मसल्स. ठीक है, और टेल पार्ट जो होता है वो स्विंग करता है टूवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, फ्रंट पार्ट जो होता है बाय द हेल्प ऑफ मसल गेट कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड, दैट मेक द बॉडी टू कट थ्रू द वॉटर एंड गो इजली एंड हैव मूवमेंट इन द वॉटर. द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन द फिगर, देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू अदर साइड, दिस मेक अ जर्क एंड पुशिज द बॉडी फॉरवर्ड. ए सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम एहेड, दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल. देखो अब इसकी मूवमेंट्स को दिखाया हुआ है आपको स्लाइड की फ़ोटो में, कि जो आपकी फ़िश होती है वो किस तरह के मूवमेंट कॉज करती है. बॉडी और टेल जो होती है वो कर्व होती हैं, आपकी कर्व करती हैं, मतलब एक गोलदार एक शेप बनाने की कोशिश करती हैं.
ठीक है, द बॉडी एंड द टेल कर्व टू द अदर साइड, जिससे क्या होता है एक जर्क मिलता है जिससे बॉडी आगे जाती है। देखो मुंह किस तरह से मुड़ रहा है और टेल किस तरह से मुड़ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर फेस एक साइड जा रहा है तो टेल अपोजिट में जा रही है, तो उससे क्या होगा एक जर्क मिलेगी इसको जिससे ये आगे की तरफ बढ़ेगी और स्विम करेगी। और साथ में कौन हेल्प कर रहा है इसका, फिन्स ऑफ द टेल। ठीक है, टेल की फिन्स जो होती हैं वो मेनली डायरेक्शन को चेंज करने में भी हेल्प करती है, मूवमेंट कॉज करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो इस तरह से टेल को पीछे वाले पार्ट को कैसे कर्व देना है और आगे वाले पार्ट को कैसे कर्व देना है, दैट गिव अ जब टू द बॉडी टू मूव फॉरवर्ड। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप द डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। तो फिश की बॉडी में टेल पे ही सिर्फ फिन नहीं होते, बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी होते हैं, बाकी बॉडी पे भी होते हैं, जिससे एक तो बॉडी का बैलेंस बना रहता है और दूसरा डायरेक्शन वगैरह, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करना या डायरेक्शन को चेंज करना, इसमें हेल्प मिलती है ड्यूरिंग स्विमिंग। अब फिश के बाद देखो हाउ डू स्नेक्स मूव, स्नेक कैसे मूव करता है। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, दे हैव मैनी थिन मसल्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम अदर अनदर, फार फ्रॉम वन अनदर। मसल्स ऑल्सो इंटर कनेक्ट द बैकबोन रिब्स एंड स्किन, द स्नेक्स बॉडी कर्व इन टू मैनी लूप्स। देखो स्नेक की जो होती है एक लंबी बैकबोन होती है, जैसे हमारी बैकबोन है ना, इसकी लंबी बैकबोन होती है और बहुत छोटी बहुत थिन मसल्स भी हैं इसके अंदर, बहुत सारी थिन मसल्स हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से दूर होते हुए भी ये आपस में कनेक्टेड है, मसल्स इंटरकनेक्टेड हैं और साथ में बैकबोन रिब्स और स्किन भी, मतलब मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट, मसल्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये मसल्स बैकबोन को रिब्स को और स्किन को भी इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है स्नेक की बॉडी कर्व कोस करती है, लूप्स बनाती है और मूव करती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स बैकबोन रिब्स एंड स्किन आर इवन इंटरकनेक्टेड सो दैट दे मेक इट द स्नेक कैन इजली मेक इट्स कर्व। ठीक है, एंड इन मैनी लूप्स टू कॉज मूवमेंट इन द बॉडी। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट्स अ पुश द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। मूवमेंट ऑफ स्नेक इज कॉल्ड स्लिथरिंग, सम स्नेक्स कैन स्विम इन वाटर। देखो इसका हर लूप जो होता है वो एक पुश क्रिएट करता है जो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। आपने स्नेक्स तो देखे ही होंगे, एटलीस्ट टीवी में तो देखे ही होंगे बड़े बड़े स्नेक्स, है ना। तो स्नेक्स जो होते हैं जब वो अपना लूप बनाते हैं, ठीक है, तो वो लूप जो होता है वो ग्राउंड को प्रेस करते हुए उसे फॉरवर्ड पुश देता है। ठीक है, जिससे हर लूप जो होता है इसका वो इसको फॉरवर्ड पुश देता है, जिसकी वजह से स्नेक बहुत जल्दी मूव करता है। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, हमेशा कर्व बनाता हुआ लूप बनाता हुआ मूव करता है, इसी मूवमेंट को स्लिथरिंग बोलते हैं। अब कई छोटे छोटे स्नेक्स आपने पानी में तैरते हुए भी देखे होंगे, ठीक है, तो ये स्विम करते हैं, सम स्नेक्स कैन स्विम इन वाटर, और बाकी जो बड़े स्नेक होते हैं, भारी स्नेक होते हैं, वो आपको ग्राउंड पे क्रॉल करते हुए दिखते हैं लूप बनाते हुए, एंड देयर मूवमेंट इज नोन एज स्लिथरिंग। हाउ डज अ कॉकरोच मूव, कॉकरोच तो आराम से घरों में भी दिख जाता है। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, कॉकरोच वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं और इवन फ्लाई भी कर सकते हैं। दे हैव थ्री पेयर ऑफ लेग्स, दीज हेल्प इन वॉकिंग। द बॉडी इज कवर्ड विद ए हार्ड आउटर स्केलेटन, द आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टूगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। देयर आर टू पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। देखो कॉकरोच मूव करते हैं थ्री पेयर ऑफ लेग्स की हेल्प से,
और वॉक करते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी के बाहर एक हार्ड आउटर स्केलेटन होता है। ये हार्ड आउटर स्केलेटन जो है, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है। ये आउटर स्केलेटन जो है, ये नंबर ऑफ प्लेट्स जो जॉइंट टुगेदर है उनकी वजह से बना हुआ है। एक्सोस्केलेटन है मतलब इसका, ठीक है। आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स विच आर जॉइंट टुगेदर, और यही आउटर स्केलेटन इसकी बॉडी मूवमेंट में भी हेल्प करता है। और साथ में विंग्स भी हैं, ठीक है। बिहाइंड द हेड देयर आर विंग्स विच हेल्प देम इट टू फ्लाई, जिसकी वजह से ही फ्लाई भी करता है। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। अब इसमें इसकी मसल्स अलग अलग तरह की है, इसकी बॉडी में जो मसल्स हैं, जो लेग के पास की मसल है वो तो ऑटोमेटिकली वॉकिंग में हेल्प करेंगी, और जो बॉडी के अंदर मसल्स हैं, ठीक है, विंग्स के पास की मसल्स हैं, मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। तो बॉडी मसल्स जो अदर बॉडी मसल्स हैं वो विंग्स की विंग्स को हेल्प करती हैं कॉकरोच को फ्लाई करने में। हाउ डज अ स्नेल मूव, अब स्नेल कैसे मूव करता है। द बॉडी ऑफ अ स्नेल इज सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड, इट इज कवर्ड विद ए हार्ड शेल, इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। द स्नेल कम्स आउट ऑफ ए सर्कुलर होल इन द शेल। द स्नेल हैज ए मस्कुलर फुट विच इज ए पार्ट ऑफ इट्स बैली एंड हेल्प इट टू मूव। देखो जो स्नेल है उसकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट है और अनसेगमेंटेड है, उसमें कोई भी सेगमेंट्स नहीं है, ठीक है, अनसेगमेंटेड बॉडी है। और इट इज़ कवर्ड विद ए हार्ड शेल, इसकी बॉडी के ऊपर हार्ड शेल होती है विच इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ इट, ठीक है। इसका आउटर स्केलेटन जो है वो हार्ड शेल ही है इसका। अब शेल के अंदर एक छोटे से होल के अंदर से, सर्कुलर होल से के अंदर से स्नेल बाहर निकलता है, ठीक है। स्नेल हैज़ ए मस्कुलर फुट, इसका मस्कुलर फुट है विच इज़ ए पार्ट ऑफ इट्स बैली। ये फुट जो है वो बैली का ही एक पार्ट है, ठीक है, जो इसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो स्नेल की बॉडी जो है वो सॉफ्ट है, कोई सेगमेंट नहीं है, कोई सेगमेंट्स इसमें इसके अंदर इसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, और एक हार्ड शेल है जो इसका आउटर स्केलेटन है, और इसी के सर्कुलर होल में से ही, शेल के सर्कुलर होल में से स्नेल बाहर निकलता है और मस्कुलर फुट की हेल्प से ये मूव करता है। और मस्कुलर फुट जो है इसका वो बैली का ही एक पार्ट है, इसके स्टमक का ही एक पार्ट है। द फुट प्रोड्यूसेस ए स्लिमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस, द स्नेल मूव्स वेरी क्विकली वेरी स्लोली ऑन द लेयर ऑफ म्यूकस विद ए वेवी मोशन। द शेल कैन नॉट मूव इट्सेल्फ सो इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग विद द फुट। देखो जो ये एक स्लिमी सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फ्रॉम इट्स फुट, अपने फुट में से एक स्लिमी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं म्यूकस। और स्नेल जो है वो बहुत धीरे धीरे जो है इस लेयर ऑफ म्यूकस के ऊपर ही मूव करता है, एक वेवी मोशन में, मतलब वेव की फॉर्म में, जैसे वेव मूव करती है ना, वेव्स उठती है, जैसे आप पानी के अंदर एक पत्थर डालो तो वेव उठती है ना, ऐसे वेवी मोशन के अंदर ये अपना मोशन कोज करता है उसी वे में ही, और बहुत ही स्लोली स्लोली ऑन द लेयर ऑफ द म्यूकस प्रोड्यूस बाय इट्स फुट, ठीक है। अब जो इसकी शेल है वो मूव नहीं कर सकती, तो ये अपने फुट से उसको ड्रैग करता है, उसको धक्का देता चला जाता है, और जिसकी हेल्प से वो शेल भी इसके साथ ही मूव करती है, ठीक है। ड्रैग किसे बोलते हैं, जिसे किसी चीज़ को ज़बरदस्ती लेकर जाना है ना, तो ड्रैग अलोंग विद इट्स फुट। तो फुट में से एक स्लिमी सब्सटेंस निकलता है जिसे म्यूकस बोलते हैं, और ये लेयर ऑफ म्यूकस के ऊपर धीरे धीरे मूव करता है इन ए वेवी मोशन, और अपने फुट की हेल्प से ये शेल को ड्रैग करता हुआ आगे बढ़ता है। हाउ डज एन अर्थवर्म मूव, अब अर्थवर्म कैसे मूव करता है।
जैसे आप देखते ही होंगे आपके ग्राउंड, जैसे आप कोई भी कच्ची मिट्टी होती है उसके अंदर से कई छोटे छोटे कीड़े वगैरह बाहर निकलते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं, तो ये अर्थवर्म्स है। बारिश के दिनों में तो आपको ये बिल्कुल क्लियर ग्राउंड पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो एक अर्थवर्म कैसे मूव करता है? अर्थवर्म हैज ए रिंग्ड और सेगमेंटेड बॉडी। इसकी बॉडी में रिंग्स बोलो या सेगमेंट्स बोलो, ठीक है, एक ही बात है। तो रिंग्स टाइप बॉडी होती है जिसे हम सेगमेंट्स भी बोलते हैं, तो सेगमेंटेड बॉडी बॉडी बोलते हैं इसकी। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। तो बहुत सारी रिंग्स जो हैं वो जॉइंट टुगेदर हैं जो इसकी बॉडी को फ्रेम कर रही हैं। अर्थवर्म के अंदर कोई भी बोन नहीं होती, डज नॉट हैव बोन्स। इट हैज मसल्स विद द हेल्प टू विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, बोन्स तो हैं ही नहीं, मसल्स हैं जो है जो इसको एक्सटेंड करने में और बॉडी को शॉर्टन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। बॉडी कभी तो क्या करती है, एक्सटेंड करती है और कोई पार्ट ये शॉर्टन कर लेती है, फिर कोई पार्ट शॉर्टन कर लेती है, किसी पार्ट को एक्सटेंड कर लेती है। तो इस तरह से ये जो सेगमेंट्स हैं दे गेट एक्सटेंडेड एंड शॉर्टन एंड हेल्प द अर्थवर्म टू मूव। अब देखो इस स्लाइड की फोटो में ध्यान से कि किस तरह से इसके सेगमेंट्स जो होते हैं वो शॉर्टन होते हैं और एक्सटेंड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो है वो मूवमेंट कोज करती है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, देन इट फिक्सिस द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड। अब देखो ये किस तरह से मूवमेंट कोज कर रहा है। पहले ये क्या करता है, अपने अर्थवर्म जो है अपने फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड कर रहा है। पहले पूरा अर्थवर्म दिखाया हुआ है, उसके बाद देखो एक जहां पर डॉट डली हुई है, पहली डॉट डली हुई है ऊपर ऊपर, उसमें देखो इसका आगे का पार्ट जो है वो कहाँ तक है, और फिर देखो सेकंड में कहाँ तक है, उसने एक्सटेंड कर लिया। पीछे वाले पोर्शन को तो फिक्स कर देता है, रियर पोर्शन को तो फिक्स कर देता है ग्राउंड के ऊपर, और आगे वाले पोर्शन को एक्सटेंड कर देता है। फिर क्या करता है, आगे वाले को फिक्स कर देता है, पीछे वाले को रिलीज कर देता है। तो इस तरह से ये एक पार्ट को एक्सटेंड करता है, दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, मतलब एक तरह से फिक्स कर लेता है। फिर जो पीछे वाला जिसको उसने फिक्स किया था उसको रिलीज कर देगा, आगे वाले को फिक्स कर देगा। तो इन दिस वे इट कॉजेज अ मोमेंट। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुश द रियर एंड फॉरवर्ड। तो इस तरह से ये आगे वाले पार्ट को शॉर्टन करके रियर पार्ट को पुल करता है और फिर ये फॉरवर्ड आगे मूव करता है। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ऐसे करते हुए बहुत कम कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है। आप कभी भी जब बारिश वगैरह आती है तो ये कच्ची मिट्टी पे ग्राउंड पे निकल के आती हैं, तो इनको देखो कि ये अपनी बॉडी बॉडी में बोन्स तो है ही नहीं, सिर्फ मसल्स हैं, और मसल की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। मसल की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कोज करते हुए अर्थवर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल। तो ये सॉइल के ऊपर मूव करता है, सॉइल में से निकल कर आता है। इट्स बॉडी सिक्रीट्स ए स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। अब इसकी बॉडी में से भी एक स्लिमी सब्सटेंस रेगुलर सिक्रीट होता है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स प्रोजेक्टिंग आउट। और साथ में इसकी बॉडी में नीचे की तरफ जो होते हैं ना, वो लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट हो रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। तो स्लिमी सब्सटेंस भी मूवमेंट कॉज करने में हेल्प करता है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अपनी बॉडी में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कॉज करता है। एक पार्ट को एक्सपेंड कर लिया तो दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो पहले को एक्सपेंड कर दिया। इस तरह से ये एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है। दिस इज हाउ अर्थवर्म मूव्स। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद द मसल्स। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटीरियल दैट इट ईट्स। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर द प्लांट्स। देखो जो मसल्स से ब्रिस्टल्स कनेक्टेड हैं, वो ब्रिस्टल्स जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं इसके, और अर्थवर्म जो है वो सॉइल में से ही ईटअप करता रहता है, और उसी में ही अपना अनडाइजेस्टेड, मतलब जो अपना एक्सक्रीटा होता है,
अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो भी सॉइल के अंदर थ्रो अवे करता चला जाता है, वहीं से खाता है वहीं से छोड़ता है। तो अर्थवर्म की जो एक्टिविटी है वो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इससे हमारे सॉइल के अंदर जो है वो फर्टिलिटी बनती है जिससे हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अर्थवर्म जो है जब डाई आउट होते हैं या जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो अपनी बॉडी से थ्रो कर रहे हैं सॉइल के अंदर, दैट गिव फर्टिलिटी टू द सॉइल एंड मेक्स द प्लांट टू ग्रो। नाउ योर लेक्चर इज ओवर एंड ऑल्सो योर लेसन, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल एंड एज इट इज़ अ लॉन्ग चैप्टर यू हैव टू कनेक्ट इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय लिसनिंग।